हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और आज एक नए बढ़िया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एकलव्य बैच, जो मेरा सबसे फेवरेट, हमारा सबसे फेवरेट बैच है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको पीछे खिड़की में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, आज आपको बता रहा हूँ कि एकलव्य बैच हमारा कैसा दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं एकलव्य बैच की हमारी जगह क्या है और उनके लिए क्या बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। तो ये एग्जैक्टली आप देख सकते हो, ये पर्दे हैं और इसके पीछे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है एकलव्य बैच का जगह। अब मैं थोड़ा सा इसे आपको बड़ा करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये जगह जो है, ये है हमारी एकलव्य बैच की जगह। और इस एकलव्य बैच में हम किन्हें बिठाते हैं, कौन वे स्टूडेंट हैं जो इस फेवरेट बैच में बैठते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लगभग लगभग जो स्टूडेंट अपना एक ईयर कंप्लीट कर लेता है, उसको हम कहीं ना कहीं इस जगह पर जो है जगह देते हैं। और क्यों देते हैं? 1 ईयर वो यहाँ पर अपने आप को साबित कर चुका है कि वो बहुत अच्छी मेहनत करता है। और शुरुआत में कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रहता है कि हम लंबा चल पाएंगे कि नहीं, और हम भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जब वो अपने आप को साबित कर लेता है तो उसको हम सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। और एक बड़ा सरप्राइज़ जो है उसी के रिलेटेड आने वाला है भविष्य में, कुछ दिनों में। आपको इसी चैनल के ऊपर मैं अपडेट देता रहूँगा। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये जगह बताई जहाँ पर कि ये अभी स्टूडेंट बैठते हैं। ये हमने छोटी मोटी उनके लिए बेंचेस रखी हैं और ये बड़ा सरप्राइज़ इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। और फ़िलहाल के तौर पर ये वो बेंचेस हैं जिनके ऊपर वो बैठते हैं। इस कार्टन्स के थ्रू हमने क्या है, छोटी छोटी दीवारें बनाई हैं, पर्दों के थ्रू हमने छोटी छोटी दीवारें बनाई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये छोटी सी एक अलमारी टाइप की है जहाँ पर हम उनका सामान रखते हैं। क्या सरप्राइज़ होने वाला है, मैं भी बताने के लिए एक्साइटेड हूँ, बस इंतज़ार करिएगा। और आज का दिन इसी शुरुआत के साथ शुरू करते हैं, चलिए। तो अब मैं लेने वाला हूँ सेकेंड लेक्चर, और सुबह से अभी तक एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है, एक लेक्चर अब मैं ले रहा हूँ। और ये रहता है मेरा मेन हॉल में लेक्चर, यानी कि जो हमारी लेवल 1 की क्लास है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर्स की। अभी तीनों बैठे हुए हैं, 11 बज चुके हैं और लगभग लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, दो दो तीन तीन सभी के। और ये थोड़ा सा फुर्सत का टाइम होता है 15-20 मिनट का, और 15-20 मिनट में बातें हो जाती हैं कि आगे क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल के तौर पर पूरा दिन, यानी लगभग लगभग 3 बजे तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसके बाद में फिर ऑनलाइन का काम चालू हो जाता है। 2 दिन से वीडियो नहीं आए हैं, सबको सार्वजनिक बोल दिया, 2 दिन से वीडियो नहीं आए हैं और 2 दिन के वीडियो आज पेंडिंग डालना है समय पर, तो आज प्रॉमिस करके आज डालेंगे, है ना। और 3 बजे के बाद हमारा काम चालू होता है ऑनलाइन का। तो तीनों को एक वीडियो में, एक फ्रेम में लाना था, इसलिए ये छोटा सा क्लिप बना रहे हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है, बी वॉच। तो अब जा रहा हूँ मैं लेक्चर लेने के लिए लेवल 2, यानी कि वो बैच जहाँ पर कि हम लोग उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जहाँ पर करीब करीब 6 महीने स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर चुके होते हैं। अब 6 महीने की तैयारी के बाद उन्हें क्या सीखना है, तो वो जहाँ सीखते हैं वो देख करके आप सरप्राइज हो जाओगे। चलो दोस्तों, लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब ये चौथा लेक्चर था और अब टाइम है लंच का। लगभग लगभग 12:45 बज चुकी है और अब मैं लंच करने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हमारा लंच होता है। ये जगह है हमारा स्टूडियो जहाँ पर हम ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं, तो बस इसी जगह पर, यहीं छोटी सी जगह, बस यहाँ चेयर पर बैठेंगे और लंच कर लेंगे। तो मिलते हैं लंच के बाद। तो दोपहर का समय है, 2 लेक्चर और कंप्लीट हो चुके हैं। और मनोज सर कौन से कंटेंट पे काम कर रहे हैं? सर, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार का पूरा एक वीडियो आने वाला है,
तो अम्ल और क्षार के ऊपर काम चल रहा है रसायन शास्त्र में, और फिलहाल के तौर पर मेरा लेक्चर अब शुरू होने वाला है। तो सुबह 8 बजे से अब लगभग बज चुकी है डेढ़, 1:30 तक के अब लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। 2 लेक्चर और बचे हुए हैं और ये हमारा है डेली शेड्यूल। तो करीब 2:30 फ्री होकर के 1 घंटे का रेस्ट होगा और फिर ऑनलाइन पे काम शुरू। थोड़े फुर्सती पल 5-7 मिनट 10 मिनट के मिल जाते हैं, और जैसे कि आज मैं आपको पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ हम लोगों का, तो आगे भी जो है वो ऑनलाइन का भी जब क्लास चालू होगा वो भी हम आपको बताएंगे, इंतज़ार करिए। एक लेक्चर की और बारी शुरुआत हो गई है, अब एक लेक्चर की, तो चलते हैं क्लास में। चलिए अब लेक्चर हो गए हैं कंप्लीट और बज गई है लगभग 4:15। अब हम फ्री हुए हैं पूरे लेक्चर से और अब हम जाएंगे बकायदा एक चाय की चुस्की लेने के लिए, और ये टाइम थोड़ा सा हो जाता है फ्री टाइम, जिसमें थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारे साथ चाय पीने। मनोज सर को गाड़ी नहीं मिल रही थी, हम चाय की घुटी पर और पी रहे हैं अपनी चाय, शाम की चाय मनोज सर के साथ एंजॉय करते हैं, और यही हमारा शाम का थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट रहता है। चलिए चाय एंजॉय करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये है अभी शाम का समय और ये हम बना रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। चलिए स्टूडियो में चलते हैं और वीडियो की तैयारी करते हैं। आज का दिन बहुत व्यस्त, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, जो बहुत ज़बरदस्त। तो आ गए हैं हम स्टूडियो में और अब बकायदा जो है यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है वीडियो। तो आज का दिन एंड अप करते हैं। सभी को इस व्लॉग को देखने के लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हम सभी के लाइफ स्टोरीज के बारे में शेयर करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट अभी तक इसलिए चलते आया है क्योंकि बहुत अच्छी नीयत से हमने अभी तक काम किया है, और अच्छी नीयत का ही परिणाम है कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन, बड़े बड़े सिलेक्शन एक छोटे से शहर के इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आदत नहीं है अभी इस सब चीज को बोलने की, इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, लेकिन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो में, व्लॉग वीडियो में, और बकायदा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोचिंग में हो रही सारी एक्टिविटीज को बताते रहूंगा, और बिग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को।